दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस देश के इतिहास में ऐसे कई योद्धा हुए जिनके बारे में जानकर हमें गर्व की अनुभूति होती है। उन्हीं महान योद्धाओं में से एक थे वीर संभाजी महाराज। वीर संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। संभाजी महाराज मराठा वीर छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। संभाजी को वीरता विरासत में मिली थी। यह भारत की पावन धरा पर जन्मे एक मराठा वीर थे। संभाजी की माताजी का नाम सईबाई था। जब संभाजी मात्र 2 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया था। तब इनकी दादी जीजाबाई ने ही इनका पालन पोषण किया। जीजाबाई ने संभाजी को वो सब ज्ञान दिया जो उन्होंने छत्रपति शिवाजी को दिया था। संभाजी को संस्कृत के साथ साथ 13 अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में संभाजी का कोई मुकाबला नहीं था। संभाजी को छवा कहकर भी पुकारा जाता था। छवा का मराठी अर्थ होता है शेर का बच्चा। वीर छत्रपति शिवाजी की ही तरह संभाजी ने भी भगवा को बुलंदी तक पहुँचाया। हिंदुत्व को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। संभाजी की वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे। इतना ही नहीं बल्कि मुगल सल्तनत भी संभाजी के नाम से कांपने लगती थी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही संभाजी युद्ध कला में निपुण हो गए थे। संभाजी ने पहला युद्ध मात्र 16 साल की उम्र में लड़ा था और उसमें विजय भी हासिल की थी। उन्होंने सैकड़ों युद्ध किए और किसी में भी पराजय नहीं मिली। उस वक्त औरंगजेब का आतंक बहुत ज़्यादा था। तब संभाजी ने औरंगजेब से हिंदुओं की रक्षा की और औरंगजेब से डर की वजह से लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, इसलिए संभाजी ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध भी लड़ा। संभाजी की प्रसिद्धि का एक यह भी कारण था कि वे लोगों की मदद किया करते थे। औरंगजेब का सारा जीवन मराठाओं को जीतने में ही निकल गया लेकिन सफल नहीं हो सका। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल रहा था। मुगलों का आतंक भी बढ़ने लगा और मुरकराब खान ने अचानक आक्रमण कर दिया और संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को बंदी बना लिया था। संभाजी को कारागार में डाला गया और इस्लाम अपनाने के लिए विवश किया गया, लेकिन संभाजी ने मना कर दिया। इस्लाम नहीं कबूलने से औरंगजेब गुस्सा हो गया। उसने संभाजी को कई प्रकार की यातनाएं भी दी और उनके घावों पर नमक छिड़कने का आदेश भी दिया। औरंगजेब ने संभाजी की जीभ भी काट दी थी। इतना अत्याचार होने के बाद भी संभाजी मुस्कुराते हुए औरंगजेब की ओर देख रहे थे तो उनकी आँखें भी निकाल दी गई और हाथ काट दिए। अंततः 11 मार्च 1689 को वीर संभाजी महाराज का सर काट दिया गया था और संभाजी भारतवर्ष और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। इस पावन धरा पर ऐसे वीर योद्धा यदा कदा ही जन्म लेते हैं